जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि ओ लेवल के रिगार्डिंग जितना भी कंटेंट है एग्जाम से पहले मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, बस काफी दिनों से मैं आपको कोई अपडेट नहीं दे पाया ना ही कोई कंटेंट प्रोवाइड करा पाया। उसके पीछे कारण ये रहा कि रिसेंटली 12 दिसंबर को मेरे फादर मुझे और मेरे फैमिली को अकेला छोड़कर चले गए। शायद इसी वजह से मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और इतने दिनों तक कोई भी वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष नहीं आ पाया, ना ही कोई नई अपडेट मैं आपको दे पाया। रिसेंटली अभी एक अपडेट जो मेरे पास आई, जो मैंने बात की उसके रिगार्डिंग मुझे मिली कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट है और ये अपडेट आपके जो रिजल्ट है सितंबर 2021 के परीक्षा का उससे रिलेटेड अपडेट है। तो मैंने सोचा और बहुत हिम्मत मैंने जुटाई इस चीज के लिए और थोड़ा सा मैं स्टैंड हो पाया हूँ आप लोगों के सामने आने के लिए, इसीलिए ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ। और वीडियो में मैं आपको ये दोनों चीजें क्लियरफाई करूंगा और कोशिश करूंगा कि जो प्रॉमिस मैंने आप लोगों से किया था ओ लेवल के कंटेंट को लेकर वो मैं आपका पूरा कर पाऊं और आपके एग्जामिनेशन में आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर पाऊं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। और वीडियो का कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो में सबसे पहली चीज जो ऑडियो है जो कि भास्कर सर ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी वो मैं आपको पहले सुना देता हूँ और सुनने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या मुद्दा रहा या क्या बात रही। तो ऑडियो ध्यान से सुन लेते हैं। हेलो भास्कर जी, नमस्कार। भास्कर जी, अश्विनी बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी सर, रिजल्ट कब तक आ जाएगा? कोशिश करेंगे 30 तक, अगर नहीं आता तो फिर नेक्स्ट वीक में आएगा सर। अभी तो डेट डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं, अच्छा वी आर वेटिंग फॉर द एवेल्युएशन। तो दिसंबर या जनवरी से मान के चले? जनवरी। जी 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 बिफोर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। ओके ओके ओके। और सर एक चीज और क्लियर करनी थी, एग्जामिनेशन सर कंडक्ट होगा जनवरी में ही? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम तो शेड्यूल है, वो तो हम सारे मटेरियल डिस्पैच स्टोर कर चुके हैं। अच्छा, कर चुके हैं पूरा, जनवरी जनवरी में होना ही होना। तो हो गया एग्जाम। ओके ठीक है सर, थैंक यू। तो जैसा कि ऑडियो आपने सुना और भास्कर सर ने साफ तौर पे कहा कि एग्जामिनेशन जो जनवरी 2022 के हैं वो कंफर्म्ड हो गए हैं, उनको डिले नहीं किया जाएगा। दैट्स मीन पहले ये चांसेस थे कि शायद एग्जामिनेशन जो है वो डिले किया जाएगा और एग्जाम डिले होने का मेन कारण ये था कि लगातार फॉर्म जो है था वो डिले हो रहा था, इसलिए शायद ये एग्जामिनेशन डिले हो सकते थे। बट अब कोई चांसेस नहीं है, जनवरी 2022 में एग्जाम ओ लेवल का कंफर्म हो गया है और इसी के लिए जो ट्रिपल सी एग्जामिनेशन जनवरी वाला है वो डिले कर दिया गया है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, ये इंफॉर्मेशन कंफर्म हो चुकी है। इसके साथ साथ जो सितंबर 2021 का रिजल्ट था उसके बारे में भी कंफर्मेशन हो गया है, वो आपका जो रिजल्ट है वो आपके एग्जाम से पहले पहले आ जाएगा। और जिन लोगों ने एग्जामिनेशन फॉर्म भर रखा है जनवरी के लिए, यानी जो लोग सितंबर में एग्जाम दे चुके हैं किसी भी पेपर का और उन्होंने जनवरी 2022 के लिए भी एग्जाम फॉर्म भरा हुआ है, तो वो अपने उस पैसे को रिटर्न लेने की प्रक्रिया भी उसी बिटवीन में हो जाएगी। चांसेस ये है कि 10 तारीख के बाद किसी भी दिन पर आपका एग्जामिनेशन रिजल्ट आ सकता है आपके सितंबर 2021 के एग्जाम का। तो ये पूरी अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है और इसके अलावा अगर तो कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एट लास्ट मैं ही कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।